बहुत कुछ इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आचार संहिता लागू है, लेकिन कान खोल करके सुन ले, कहीं इधर उधर कुछ किया तो अंजाम जो है बुरा होगा, इसमें कोई समझौता नहीं। उसलिए लोग मोदी जी का नाना लगाता था, हर हर मोदी, हर हर मोदी, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाता में मिलेंगे, हर नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, क्या क्या न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, क्या क्या नहीं कहा था, क्या क्या काम करेंगे। हम लोग उस समय भी कहते थे हर हर मोदी, हर हर मोदी नहीं, ये बड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी है, कथनी या करनी है भारी अंतर। अब आप बताओ, कथनी में विश्वास करना चाहिए, करनी में विश्वास करना चाहिए। अरे जवान नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा, करनी है ना, मोदी जी का कथनी है कि करनी है, खाली कथनी है ना, है जुमलेबाजी करना। तो ये देखिए नौजवान भाई, ये मोदी जी अगर दोबारा सत्ता में आ जाएंगे तो सरकारी नौकरी को खत्म कर देंगे, सरकारी नौकरी को खत्म करके प्राइवेट के हाथों में दे देंगे, और सरकारी नौकरी जो गरीब पिछड़ों को, दलितों को जो मिला करता था, सब जो वो आरक्षण ही ले जाएगा, तो आपको प्राइवेट में कौन पूछे। आप लोग सावधान रहना इनके डिजाइन से, ये भले ही मोदी जी पिछले चुनाव में क्या थे, चाय बेचने वाले है ना, कोई देखा है चाय बेचने वाले फोटो, लेकिन हम तो मोदी जी का बचपन का फोटो देखते हैं, अमेरिका घूमते हुए जवानी का फोटो देखते हैं, आरएसएस में परेड करते हुए फोटो देखे हैं, लेकिन चाय ढूंढते हुए वाला, बेचते हुए वाला फोटो हम ढूंढते रह गए लेकिन मिल भी नहीं, क्योंकि बेचते ही नहीं थे वो व्यक्ति, तो मार्केटिंग। मोदी जी तो झूठ